नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिनी पाश्चात देशकारिणी। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी पे आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए पे मोर नाम, कि सपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। क्यों तो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी थी और प्रभुपाद के बारे में भविष्यवाणी क्या हुई उनके जन्म के समय उनकी जन्म कुंडली में, तो भविष्यवाणी जो निकली वो क्या थी कि ये बालक जब 70 साल की अवस्था का होगा तो समुद्र के पार जाएगा और एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया आ सकती है। तो जो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी थी उसी का ही ये दूसरे शब्दों में ये भविष्यवाणी है, एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। तो पूरी दुनिया रह सकती का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया को अवसर मिलेगा कि इस घर में आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन ये जो संस्था बनाई अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानंद संघ, फिर संस्था पूरे विश्व फैल गई। तो पूरे विश्व फैल गई तो जितने भी पृथ्वी के नगर और गांव हैं तो हर व्यक्ति को ये अवसर है कि वो प्रभुपाद के घर में रहे या घर से बाहर रहे। इसमें कोई ऐसी दीवार नहीं है कि आप घर के अंदर आ गए तो घर के बाहर नहीं जा सकते या घर के बाहर आ गए तो घर के अंदर नहीं आ सकते, ऐसी कोई दीवार नहीं। आप जहाँ भी हैं आप प्रभुपाद के घर में आ सकते हैं, आपको चलना नहीं पड़ेगा, अपने घर में रह करके ही आप प्रभुपाद के घर में आ गए। अगर आप कुछ नियम हैं जिनका पालन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो आप प्रभुपाद के घर के अंदर हैं। और अगर आप नियमों को तोड़ते हैं या भक्तों का अपराध करते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं से ही आप जो है प्रभुपाद के घर से बाहर निकाल जाए। तो इसमें अंदर आना और अंदर जाना नहीं पड़ता, आप स्वयं स्वतः आप उस घर के अंदर आ जाते हैं और स्वतः घर के बाहर निकल जाते हैं। तो किसी के ऊपर भी कोई बल प्रयोग नहीं है कि आपको घर के अंदर आना ही पड़ेगा। और जो घर के अंदर आ गए हैं उनके ऊपर भी कोई बल प्रयोग नहीं है कि आप घर के बाहर नहीं जा सकते। तो कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी समय इस घर के अंदर आ सकता है और घर के बाहर जा सकता है। तो प्रभुपाद से जुड़ना है, इस कौन से जुड़ना है, आप कहीं भी रहें आप प्रभुपाद से उस कौन से जुड़े रहें तो आप इस घर के अंदर हैं। और अगर आप बाहर की बातें सुनते हैं, बाहर के प्रवचन सुनते हैं, बाहर के सिद्धांत सुनते हैं, बहुत से ऐसे गैर प्रामाणिक वक्ता होते हैं जो कि बड़े प्रसन्न होते हैं और हम लोग अगर उनकी प्रवचन सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें सुनाने लगते हैं तो इस घर से आप बाहर निकल। तो घर से बाहर निकलना भी बड़ा आसान है और घर के अंदर आना भी बड़ा आसान है। आपका घर वहीं का वहीं है लेकिन आप प्रभुपाद के घर के अंदर नहीं हैं। अगर आप प्रभुपाद के आदेशों का पालन नहीं करते हैं और प्रभुपाद के घर के अंदर हैं, अगर आप प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हैं और घर में अगर प्रभुपाद के घर में है तो आपको खाने और पीने की किसी प्रकार की चिंता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। आप घर के अंदर हैं तो आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी और घर के बाहर हैं तो खाने के लिए पेट की पूजा के लिए आपको दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। तो प्रभुपाद तो प्रभुपाद ही निंदा करते थे कि हमारे साथ में रहो, कीर्तन करो और प्रसाद खाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे घर में है। और अगर आप जो है इसी में ही लगे रहते हैं, पेट के लिए पेट की पूजा के लिए आप परिश्रम करना चाहते हैं और कीर्तन नहीं करना चाहते हैं, प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये आपका चुनाव है। तो हर व्यक्ति का अपना चुनाव होता है कि भगवान के घर के अंदर या घर के बाहर। पूरी दुनिया में ये अवसर मिल गया, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह करके रूपा के घर में रह सकता है और रूपा के घर में रह करके भी रूपा के घर से बाहर भी निकल सकता है, बहुत आसान है।
तो यहाँ पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं है। तो ये जो है पूर्वपात का संदेश बहुत सरल है, बड़ा सरल है, है? आप इसका लाभ उठाएं तो आप जो है अगले जीवन में वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ नहीं उठाएंगे फिर भोसंकर में संसार में आप सड़ते रहेंगे। हरे कृष्णा चिल प्रभुपाल जी जय। Washington, USA. So I want to request Prabhuji to come and do a session on Gurupath Adhari this morning. Hare Krishna. 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 Hare छोटी दूर मेरी बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं आपके गुणगान सही से रसाई है उसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग बोलता हूँ। मैं 73 में अमेरिका गया था सर्जरी करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। मेरी पत्नी ने इच्छा की कि मेरे भारत देश नहीं है तो उसकी गुरुओं का मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर है, वो जो मंदिर तो है तो और फिर तो कुमार से हमें हमारे